एडमिशन सर्टिफिकेट लेते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए सरकार की गाइडलाइनों का, क्योंकि आप सब देश के जागरूक इंसान हैं। यदि आप जागरूकता का परिचय नहीं देंगे तो गलत आदमी इसमें प्रवेश करते रहेंगे और हमारा देश पीछे जाता है। समझ मारी मेरी बात? बहुत सारे पॉल्यूशन देने वाले लोग ऐसे होते हैं जो आपके वाहन को चेक नहीं करते हैं और आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। उससे क्या होता है कि आपके वाहन के अंदर यदि कोई कमी है तो उसका आपको पता नहीं चल पाता और उससे सड़क पर पॉल्यूशन ज्यादा हो जाता है, जिससे हमारे देश का पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है और हमारा देश कहीं ना कहीं पर पीछे आ जाता है। ठीक है? और उससे क्या होता है कि जो पॉल्यूशन फैलता है उससे जो हमारी ओल्ड एज के साथी होते हैं, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है, एलर्जिक प्रॉब्लम है, उनको दिक्कतें बढ़ जाती हैं, जिससे कहीं ना कहीं पर हमारा प्यार हमारे बड़े बुजुर्गों का हमसे छिन जाता है। राइट? तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी जागरूकता का परिचय देना चाहिए और जो ऑथराइज जो अप्रूव सेंटर है हमारे, ठीक है, कौन देता है परमिशन इसकी? आरटीए ऑफिस। कौन देता है? आरटीए ऑफिस। वहां से जो अप्रूव सेंटर है उन्हीं से हमें पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना चाहिए। हमें हम करते क्या है कि हमारा कहीं पर यदि पुलिस डिपार्टमेंट यातायात के कर्मी हमारे साथ ही यदि कहीं पर आपके वाहन को रोकते हैं और आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आप हवड़ा तंगी में या उनको ये कहते हैं कि मैं घर भूल आया हूँ और किसी को पैसे दे करके बैक गेट में लेना चाहते हैं। अब वो सिस्टम खत्म हो गया, अब वो बैक गेट का मैनुअल यहाँ पर नहीं है, एनसीआर में नहीं है, एनसीआर से बाहर हो सकता है लेकिन एनसीआर में नहीं। ठीक है? तो इन सब चीजों का आपने ध्यान देना। दुर्घटना से देर घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा भी पेशेंस रह करके सड़क पर चले। सड़क से सभी जो आपका वाहन है उससे संबंधित सभी कागजात अपने पास रखें। यातायात कर्मचारी जो हैं उनका साथ और सहयोग दें। यदि कोई हाथ दे रहे हैं और आप रुक रहे हैं तो आपको वहां से भागना नहीं चाहिए, रुकना चाहिए। ठीक है? उनको तनख्वाह इसी बात की मिल रही है कि आपकी रक्षा सुरक्षा में नियमों की पालना करा सके। कई बार आप जब झिझोक करके भागते हो, इधर उधर से भागते हो, तो उसमें क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाते हैं और एक ऐसा व्यक्ति मारा जाता है, एक ऐसा बच्चा मारा जाता है जिसने अभी जीवन में कुछ देखा नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सावधानी ही बरतनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, दारू पी करके कभी अपने वाहन को नहीं चलाना चाहिए, नींद की अवस्था में कभी अपने वाहन को नहीं चलाना चाहिए, राइट, टेलीफोन पर कभी मोबाइल पर बात करते हुए नहीं चलना चाहिए, गाड़ी के अंदर स्क्रीन पर जो आपका वीडियो लगा हुआ है उस पर भी क्या होता है कि हम मोबाइल में जब हम देखते हैं व्हाट्सएप और उस पर जितनी जितनी गाड़ी किसी से टकरा जाती है। यदि कहीं पर भी एक्सीडेंट इंसिडेंट हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, कोई घायल हो जाता है तो उसको तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाना चाहिए। सड़क पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, सड़क पर तांडव नहीं दिखाना चाहिए, बीच सड़क पर अपने वाहन को खड़ा नहीं करना चाहिए, सड़क के किनारे जो हमारा स्थान है वहीं पर अपने वाहन को हमें खड़ा करना चाहिए, राइट। पुलिस और प्रशासन से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, अपने अहंकार में नहीं आना चाहिए, अपने वाहनों पर जाट और गुंजर, ब्राह्मण, इस प्रकार के जो नाम है, अपनी जातियों के नाम, अपने धर्म के नाम कोई भी नाम नहीं लिखवाना चाहिए, राइट। जो सड़क है वो सबके लिए है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, उस पर छोटा भी चलेगा, बड़ा भी चलेगा, हिंदू भी चलेगा, मुसलमान भी चलेगा, बूढ़ा भी चलेगा, महिला भी चलेगी, पुरुष भी चलेगा, दिव्यांग भी चलेगा, ठीक है, इसलिए सबका ध्यान रखना है और सबको रास्ता देना है। एम्बुलेंस है तो पहले हमारी इंसानियत कहती है कि उसमें कोई ऐसा व्यक्ति जा रहा है कि जिसको हमसे ज्यादा जरूरत है, इमरजेंसी है,
तो हमें रास्ता दे देना चाहिए, हम उसके आगे आगे चलते रहते हैं, हमारी इंसानियत मर चुकी है, ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इन सब बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, आपको जय भविष्य की कामना करता हूँ कि परमात्मा किसी की जान सड़क हादसे में ना ले। सड़क हादसे में आपका गुजारने का ये जो शरीर है, मानव शरीर अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है, और ये सड़क हादसे में नहीं गुजरना चाहिए, ये किसी के काम आना चाहिए। आपका जो खून है वो एक से तीन लोगों की जान बचाता है यदि डोनेट करते हो तो, और यदि सड़क पर बह जाता है तो आपकी जान खुद चली जाती, राइट। तो खून को सड़क पर बहने मत दीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, कम खाना गम खाना बहुत अच्छी बात है, सुनने वाला व्यक्ति हमेशा महान होता है, वहाँ सुन करके चलिए, और अपनी इंसानियत, आदमी अपने कर्मों से बड़ा होता है, नियमों को तोड़ने से बड़ा नहीं होता। कि मैंने लाल बत्ती जम कर दी बहुत बड़ा आदमी हो गया, नहीं, आपको भुगतना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो वहाँ। आप यहाँ से बहुत तेज अवस्था में जाओ, कहीं ना कहीं पर जो पीछे आपके धीमे धीमे चल रहा है वो आपको आगे खड़ा मिलेगा। कछुए की जो चाल आपने देखी होगी, तो इसलिए ज्यादा भगा कभी मत कीजिए, ज्यादा जिगजॉग करके गाड़ी को मत निकालिए, आपकी गाड़ी में डेंट पेंट आ जाएगा, 2-4 हजार का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि दुर्घटना से भली। जब घर से निकल करके आते हो तो बच्चे टाय टाय करते हैं, बाय बाय करते हैं, पत्नी इंतजार कर रही होती है, माँ बड़े प्यार से इंतजार कर रही होती है मेरा बेटा आएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि माँ के सामने आपका सभी पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी गलती होती है, किसी और की गलती नहीं होती। सन्नाली मेरी बात, इसलिए कोशिश कीजिए कर भला हो भला, बड़ों को सम्मान दीजिए, बच्चों को प्यार दीजिए, बराबर के साथ ही है बहन बेटियों का सम्मान कीजिए, अपनी दृष्टि को बदलिए ताकि हमारा देश का विजन भी बदल जाए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।